नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज आरएस भाट दोबारा से निकले हैं बस स्टैंड की रोड से आगे बढ़ते हुए शीतला माता की तरफ। देखते हैं कि आज कहां का दौरा है, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी ऐसा पता नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई सरप्राइज विजिट शायद चल रही है। हल्का फुल्का लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बातचीत क्या है पूरी जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं कि जो भी कार्रवाई की जाती है आरएस भाट के द्वारा, तो आप सभी से अनुरोध भी है फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाएं और क्या कहना है इस पूरे एरिया के बारे में उसके बारे में भी हमें अवगत कराएं। और यहाँ पर देखें कि जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा तो साथ साथ जो है यहीं पर लोग अपनी रेडिया वगैरह लेकर इधर उधर घुस गए। वही स्थिति जो है यहाँ पर रहती है। आसपास के लोगों से जो है वो बातचीत हो रही है कि किस तरीके से क्या यहाँ सिचुएशन रहती है। आज जो है शायद देखने भी आए हैं या हम बात करें कि विजिट करने आए हैं कि कहां पर क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि बस स्टैंड के आगे की रोड पर भी यही स्थिति बनी रहती है। तो यहां पर आप बता दें कि हम सेक्टर 12 के करीब पहुंच चुके हैं। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि भाट साहब सरप्राइज विजिट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आज जो है ज्यादा टीम मौजूद नहीं है और ये एज अ सरप्राइज विजिट के तौर पर जो है एक विजिट चल रही है, जिसको आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर भाट साहब पहुंचे हैं। तो वायरल सच की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। अभी देखते हैं कि क्या बातचीत चल रही है, क्या कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर एक रेड़ी सड़क के बीचों बीच अगर बात करें तो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देखें किस तरीके से जो है वो बातचीत चल रही है। यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से जो है आसपास के लोगों से जानने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है जिसने बाहर एक रेडी लगा रखी है, पहले देखें कि शॉप है, शॉप के बाहर दो कार्ट लगे हुए हैं, कार्ट के आगे भी एक रेडी लगी हुई है। यहाँ पर देखें कि ऐसा लग रहा है कि वसूली कहाँ से हो रही है, देखने वाली बात है। यहाँ पर परमिशन वगैरह सारी चेक की जा रही है। सिंपल सी बात है, परमिशन होगी तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर जो है अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चलती है वही कार्रवाई यहाँ पर होगी। आप सबको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 12 वाली रोड पर, या हम कहें कि बस स्टैंड से आगे आगे जैसे ही आप आते जाएंगे तो उस रोड पर अभी हम मौजूद है जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है DTP RS भाट। जैसे ही पता लगा, साथ में टीम भी जो है वो फटाफट यहाँ पर पहुंची है कि भाट साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निगम के अधिकारी भी साथ में पहुंचे हैं यहाँ पर। देखने वाली बात है कि अब कार्रवाई यहाँ पर क्या होगी। बहुत सारे लोग हैं, 4 दिन की छुट्टियां थी तो उसकी एवज में जो है शायद थोड़ा सा ढीला छोड़ा गया था काम को, क्योंकि छुट्टियां सैटरडे संडे की थी, फिर गुरु नानक देव जी जयंती थी और उससे पहले का भी एक छुट्टी थी। तो यहाँ पर भी देखें किस तरीके से जो है समझाया जा रहा है या कहे बातचीत की जा रही है। कुछ देर देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होगी उसके बाद। कुछ समय बाद जो है एक बार देखें पहले आज की कार्रवाई किस तरीके से है, क्या है, फिर उसके बाद जो है आपके प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं वो भी हम पूछेंगे। आप सभी से अनुरोध है फटाफट से जो है शेयर जरूर कर दीजिए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एटलीस्ट 10-10 शेयर जो है फटाफट से कर दीजिए। 10-10 शेयर करेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा कि सही में आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और साथ के साथ जो है वो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर देखें एक ऑटो मार्केट टाइप भी, एक दो दुकानें जो है यहाँ पर ऑटो वगैरह भी खड़े रहते हैं। बट अब यहाँ पर देखिए कि आगे तक हम आ चुके हैं, श्री हंस सत्संग मंदिर तक पहुंचे हैं। आगे देखते हैं कि सिर्फ एक सरप्राइज विजिट है देखने के लिए है या फिर कोई आगे की कार्रवाई भी होगी यहाँ पर, या लोगों को असर हुआ है ऑलरेडी जो इतनी जगह पर विजिट चली है उसका क्या असर हुआ है, ये भी देखने वाली बात है यहाँ पर।
तो चलिए यहाँ पर देखें कि अभी तक जो है अतिक्रमण इतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, बट गाड़ियों की अगर बात करें, गाड़ियां काफी ज्यादा जो है वो बाहर बाहर खड़ी हुई हैं और ये सिचुएशन शायद यहाँ पर रहती भी है। कौन कौन लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जल्दी से बता दीजिए। अभी जो है हम मौजूद हैं सेक्टर 12 वाली रोड पे, तो चलिए अभी थोड़ी देर में जो है डीटीपी आरएस भाट से जो है वो बात करने की भी कोशिश करते हैं। भाट साहब, इतने दिनों बाद, 4 दिनों बाद लोग आपको देख रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, ये और वायरल सच ने भी ढप्पा कर दिया है, पहुंच गए हम भी आपके साथ ही। चलो अच्छी बात है, वायरल सच हर जगह पहुंचा रहा है अभी जो हम काम कर रहे हैं। आज हम जो है बस स्टैंड चौक के ऊपर निरीक्षण जैसे हमने पहले भी किया था आज भी किया, थोड़ा दुकानदारों को दोबारा रिवीजन करवाई है कि जी आप अपने आप में सुधार लाएं, क्योंकि कई बार ये होता है 3-4 बार आप आए उसके बाद सोचते हैं कि जी अधिकारी आएगा नहीं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हफ्ते में 3 दिन राउंड जरूर रहेगा, वो राउंड रहेगा ही रहेगा। और देखिए अब ये रेडियां रूडियां बगा रहे हैं, मतलब अभी इनको हम कुछ नहीं कह रहे, आज हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं। अगर इस रोड के ऊपर भी जो है काफी इंक्रोचमेंट है, ज्यादातर रेडीज के लिए, और मुझे पता लगा कि यहाँ रेडीज के लिए ऑलरेडी जगह है, तो आज मैं वही देखने आया हूँ कि अगर रेडीज के लिए जगह है तो रेडी वालों को उधर ही शिफ्ट करना चाहिए। अगर मेन रोड के ऊपर रेडियां लगाएंगे तो फिर उस लैंड के ऊपर अगर शिफ्ट कर ले तो मेरा ख्याल ट्रैफिक की समस्या सुधर जाएगी। और साथ ही साथ जो है गाड़ियां भी काफी ज्यादा जो है बाहर बाहर साइड में खड़ी है, जो बैक साइड इनको एक लेन में आना चाहिए, और एक लेन के बाहर होगा तो हम गाड़ियां भी टो करवाएंगे। थोड़ा एक बार विजिट करनी जरूरी है, 1-2 बार विजिट करेंगे फिर हम एक्शन मोड में बिल्कुल इस स्ट्रेच पर भी आएंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाट साहब ने अभी बताया है कि पता लगा है कि शायद यहाँ पर जो है रेडियो का जोन है जहाँ पर रेडियां लगनी चाहिए बट नहीं लगी है, वहां पर क्या कारण है ये देखेंगे, यहाँ पर कहाँ पर रेडियो की जगह है ये भी देखेंगे। हमारे साथ लगातार जो है वो बने रहिए। यहाँ पर अभी हम ये पूरे चौक पर जो है वो आ चुके हैं सेक्टर 12 के, ये एक पूरा एरिया जो है, यहाँ ये सेक्टर 12 का ये जो एक पूरा एरिया है यहाँ पर ज्यादातर जो है खड़ी रहती हैं रेहड़ियां, अब जो है इधर उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। परमिशन की बात है कि जिसके पास परमिशन है तो कोई आपत्ति नहीं, अगर परमिशन नहीं है उस एवज में जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर देखे कि निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद जो है बातचीत भी होगी यहाँ के लोगों से, या फिर बात करें कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं रेडियां लगती, क्योंकि अगर जोन बना हुआ है और फिर भी ना लगे तो बात तो यही है कि कारण क्या है यहाँ पर। चलिए मंडी के अंदर जाकर भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ की। आप यही बैठते हो रोज, कोई किराया देते हैं आप? किसी किराया नहीं, वैसे ही बैठते हैं। झाड़ू के पास जाते थे? हाँ जी, झाड़ू के पास जाते नहीं, कोई बंदा भी यहाँ किराया नहीं देता। मैं तो किराया नहीं देता, झाड़ू वाले आते हैं, झाड़ू के पैसे देते हैं। अच्छा, झाड़ू जो लगाने आते हैं उनको पैसे देते हैं? कब से लगा रहे हैं आप लग रहे हो यहाँ पर? 2 साल से। और कितने पैसे लेते हैं वो जो झाड़ू वाले? 20 रुपए लेते हैं एक बंदे। वो कितनी बार झाड़ू लगाते हैं? एक बार सुबह। अब लगे दुकान आप सुबह? तो रेहड़ियाँ जो बाहर लगती है वो यहाँ क्यों नहीं लगती? नहीं, कोई कारण है? कोई लगता है इसने सब्जी खरीदी वो तो यहाँ भी आके खरीद रहे हैं। बिल्कुल।
बट यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक जगह भी है आगे की तरफ जहाँ पर आराम से रेडियां लग सकती है। यहाँ पर एक और बात देखी हमने कि यहाँ पर भी जो है मीट की शॉप जो है वो बाहर ही लगाई हुई थी, जो कि विदाउट परमिशन नहीं लगा सकते और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, बट यहाँ पर जो है दो के करीब शॉप लगी हुई है, वो भी जो है इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये एक पूरा एरिया है जहाँ आम डेज की अगर बात करें, नॉर्मल डेज में जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी रहती है, बट अब जो है जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि सफाई वगैरह, बट सफाई व्यवस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज जो निरीक्षण चल रहा है उस निरीक्षण का जो है थोड़ा सा सर, एक मीट की शॉप भी थी वहाँ पर जो बाहर ही लगी हुई थी, मच्छी की भी है और साथ में वैसे भी आ गया वो जी जी, तो करेंगे एक्शन अगर वो गलत है तो, बिल्कुल मेरा ख्याल इलीगली होगा ऐसे ही बाहर ही लगाई हुई है तो, बाकी जो अगर करना भी है तो भी लीगल तरीके से करें, लीगल तरीके से लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज इलीगल तरीके से ऐसे कोई भी मार्केट में भी कोई इलीगैलिटी के हिसाब से नहीं करना। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि लोगों को पता है कि वो गलत है क्योंकि सामान उठाकर अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस ही बात है कि उनको इसके बारे में पता है कि हम कहीं ना कहीं जो है वो गलत कर रहे हैं, बाहर जो है वो इंक्रोचमेंट की जा रही है। बट साथ ही साथ यहाँ पर देखे पूरा का पूरा यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से कार्ड वगैरह लगी हुई हैं। याद है मेरे को जानते हो ना, फिर भी बार क्यों लगा ली, सुधर जाओ अभी अंदर करो और कल से मैं ये बोर्ड मेरे को पहचान आ गया। यहाँ पर देखें कि वही बात है कि लोगों को पता है, पहचान है, जान पहचान है कि कहाँ पर क्या अब कार्रवाई चल रही है, बट देखने वाली बात यह है कि सिचुएशन आप देखें तो यहाँ पर यह भी बात है कि किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई होती है। यहाँ पर भी देखे सेम सिचुएशन है कि जहाँ जहाँ बाहर बाहर चीजें लगी हुई हैं उसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है। ज्यादातर लोगों को पता है, अगर जिसको नहीं पता है साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आप खुद भी सोचने वाली बात है, एक तरफ आपने किराए के ऊपर जो है एक दुकान ले रखी है, फिर भी आप बाहर जो है सारा सामान लगाते हैं, तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार गलत तो आप कर रहे हैं और पता भी है कि जिसकी एवज में आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ से सामान हटा देंगे उसके बाद भी नहीं होता, तो सही में इंक्रोचमेंट की किस तरीके से इंतहा है ये यहाँ पर आप देखा जा सकता है। उधर बोलो ना, तो उधर तो बोलो ना, बोलो 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 सही बोलो, वो सुनेंगे तो यहाँ पर देखें कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी समस्या भी है, तो हम भी साफ तौर पर कहते हैं कि अगर भाट साहब यहाँ पहुँचे हैं तो अपनी समस्याएं भी बताएं, जिसका खुद से ही उन्होंने निरीक्षण कर लिया है कि पाइप्स वगैरह वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनको हटाने की भी यहाँ पर जरूरत है ताकि रेडिया वगैरह जो है वो यहाँ पर लग पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर डायरेक्ट जो है आरएस भाट का ध्यान खुद से जा रहा है कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखें कि अब जो है सामान अंदर किया जा रहा है,
पर उस पूरे पेड़ की एवज में जो है किस तरीके से सामान बाहर लगा है वो भी देखने वाली बात है। यहाँ पर आप सभी से अनुरोध है कि फटाफट से जो है वो वीडियो शेयर जरूर कर दें। वही स्टाइल है आरएस भाट का कि अगर पता है कि कहां पर लगानी है तो बोल रहे हैं कि यहां पर लगाए, ताकि आते जाते लोग आपको जब बोलेंगे, जब आपको कुछ कहेंगे तो आपके समझ आएगा। अपने जहाँ तक दुकान है वहाँ तक ये नहीं है की तुम्हें मतलब कितनी दुकान है उसकी बारी है, लोग चलने की जगह है या पार्किंग लगेगी या लोग चले और तू यहाँ तक लगाता है उसके बाद यहाँ कोई गाड़ी लगाएगा उसको। सेम सिचुएशन है कि कहाँ तक गाड़ी लगेगी, कहाँ तक लोग पहुँचेंगे और कहाँ तक जो है बाकी गाड़ियाँ लगेंगी। सेम स्थिति जो है अगर हर जगह रहेगी तो ऐसी ही स्थिति जो है हमेशा जाम की यहाँ पर उत्पन्न रहेगी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बट आपको एक बार फिर से बता दें कि सेक्टर 12 की तरफ जो है ये रुक किया हुआ है आरएस भाट ने, और जहां पर जो है अभी ये पूरे अतिक्रमण के ऊपर जो है निरीक्षण चल रहा है कि कहां पर क्या सिचुएशन है, कहां पर क्या स्थिति चल रही है। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिन लोगों ने यहां पर आगे का एरिया की अगर बात करें वहां पर अतिक्रमण है या फिर कुछ लगाया हुआ है उसके ऊपर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, उस चीज का निरीक्षण भी किया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखें कि पूरी अगर बात करें सीढ़ियों वगैरह की जो शॉप है वहां पर सामान कहाँ तक फैला हुआ है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यही स्थिति जो है काफी एरियाज में जो है वो बनी हुई है। आगे भी अगर हमने एक शॉप देखी वहां पर भी ये सेम सिचुएशन वो थी। ये किसकी है? क्या है वो बंदा? सब्जी वाली दे रही है वो आगे चौड़ा। चार अच्छा तीन क्या है? भाई माल क्या है क्या? हाँ अंदर है। बुलाओ जरा मालूम। यहाँ पर भी देखे कि पहले जो ऑनर है उसको बुलाया जा रहा है ताकि देखा जाए कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर रेडी तोड़ने नहीं वाला, तोड़नी है तो वहां घुस के भी तोड़ दूंगा, रुक जाओ। क्या मतलब? एक नहीं इधर सब्जी वाली अंदर कर ली, एक उधर कर ली। अरे इधर आ जाओ, मैं मौका दे रहा हूँ आपको। मालूम कौन है? है नहीं कोई? उधर गए उधर उठवा ले क्या सामान? उठवा ले नहीं है मालिक क्या? उठवा लो जी, मालिक बुला लो, दो मिनट में उठवा लूंगा सारा सामान। यहाँ पर देखे कि साफ तौर पर जो है बातचीत हो रही है कि अगर कोई सामान
कोई नहीं आएगा इसकी एवज में कि यहाँ पर कौन मालिक है, किस तरीके से काम है, तो सामान भी उठवा लिया जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ जो है वो निगम की टीमें भी मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले बातचीत की जा रही है ताकि समझाया जाए, बताया जाए, बट अगर नहीं समझ आती है तो उस एवज में जो है साथ के साथ जो है वो कार्रवाई भी जरूर होगी। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार जो है हमारे साथ लगातार बने रहे। हम हटा लेंगे, कितना कम था हम हटा लेंगे, हम आपको खुना आप हटा लेंगे, खुद थोड़ा बोलिए, हटा दूंगी, आप कल देख लियो, था दो घंटे में देख लियो, बस दो घंटे में देख लियो, मैं हटा दूंगी, बस हटा देंगे बेटा, बाबू जी हटा देंगे। आपके हाथ जुड़े जो सड़क के ऊपर लोगों के चलने की जगह है उसको घेरना, किसी को भी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसको हटवा दें। आज मैं सिर्फ कहने आया हूँ, अगली बार ठीक है, ये जहाँ तक आपकी दुकान है ये आगे ठीक है, दो दिन भी आज ऊपर है, लेकिन थर्सडे होंगे और गुरुवार यहाँ पर भी देखे कि कुछ लोग इसी रोड को लेकर जो है बातचीत करने आए हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, किस तरीके से रहती है, इसके ऊपर जो है वो कार्य भी किया जाए। यहाँ पर लगातार जो है यही स्थिति जो है बनी हुई है, और अब जो है समय भी दिया जा रहा है क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं, निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं आरएस भाट। तो यहाँ पर देखे कि लोगों को पता है कि ये कौन है, आरएस भाट है, क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से अतिक्रमण को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि गाड़ियां जो है या बात करें रेड़ियां जो है इधर उधर होने लग गई है, बट उसके बाद भी अगर परमानेंट तौर पर नहीं हटती है तो कार्रवाई जरूर होगी। यहाँ पर भी देखे किस तरीके से जो है ये पूरा एरिया कवर अप किया है, बट नजर की बात करें, नजर तो पहुंच चुकी है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी देखेंगे एक पूरा शेड लगाकर जो है ये पूरा हाथ रखना, मेरे पर गिर गई तो अरे भाई वायर है, क्या कर रहे हैं चाचा जी, इधर आए एक आधी जगह पर नहीं, यहाँ पर देखे कि किस तरीके से जो है पूरी रेडिया यहाँ पर लगाई हुई है, ये पूरा एक एरिया आप देख सकते हैं कि यही बाहर लग जाता है, यही इंक्रोचमेंट होती है और यही पर लोग जो है वो बाद में परेशान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दीवार है और उसके आगे सारा अतिक्रमण है जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर। चाचा जी उधर जाओ, ठीक है, ये रेड़ियां कोई लगवाता है नहीं लगवाता मुझे लेना देना नहीं है, हा? ये रेड़ियां यहाँ नहीं लगेंगी, किसका है, करण सिंह जी का है, तो करण सिंह जी के प्लॉट में रेड़ियां लगेंगी। अगर मैंने करण सिंह जी के प्लॉट के बाहर यहाँ रेड़ियां देख ली और ये देख लिया, ये किसका है, ऐसे लगा दिया आपने, तो सड़क पर लगाएं, बड़े बड़े शेड लगाएं, सब्जियां बेचें, लोग हवा में उड़कर जाएं। आप 200-400 लोगों के कारण 50,000 लोग जनता दुखी हो रही है, वो हवा में उड़ जाते हैं, उनको पंख लगा देते हैं,
अभी तो मैं आपको व्यवस्था के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। अगर नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अगर आप अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो दर्ज कराऊंगा FIR, थाने में बिठाऊंगा, हटाई लूंगा तो हटा लो। यहाँ पर देखे कि किस तरीके से है, पहले एक घर है, घर के आगे की पूरी दीवार कवर अप की है और उसी घर के अंदर जो है तकरीबन 7 रेहड़ियां जो है वो खड़ी है। आप खुद इस चीज को देखिए कि किस तरीके से जो इंतहा होती है रेहड़ियों की, या बात करें अतिक्रमण की, वो सारी इंतहा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। और ये सिचुएशन जो है आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं, और आप सभी से अनुरोध भी है कि लगातार हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ जो है वीडियो जो है वो शेयर जरूर करें। यहाँ पर भी देखें कि जहाँ पर एरिया है वहां पर किस तरीके से अतिक्रमण होता है, तो ये इन लोगों से जो है वो सीखने की आवश्यकता है कि जहाँ पर थोड़ी सी जगह दिखी, जहाँ पर गाड़ी लगाने की जगह है वहां पर साफ तौर पर जो है ये कार्ट लगे हुए हैं। अब देखा यह जाएगा कि इसकी परमिशन है। यहाँ भी देखिए इस पूरे एरिया में भी यही सेम सिचुएशन है कि आगे आगे पूरे जो है कार्ट लगे हुए हैं, रेडियां लगी हुई हैं और यही हालत जो है आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो अगर बात करें यहाँ पर कि लोग रेंट भी जो है वो दे रहे हैं, जी हाँ, दुकान को जो है वो रेंट भी दे रहे हैं, दुकानदारों को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं या लोकल लोगों को दे रहे हैं। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दोबारा से बता दें कि सेक्टर 12 की ओर रुक किया है आज RS भाट ने, जहां पर जो है निरीक्षण चल रहा है, कार्रवाई चल रही है जो आप लगातार देख रहे हैं। देवा, देवा। भाई आपका नाम ही राज है, मेरा तो है नहीं, तो है बात आपका है राज, लेकिन राज वाला बंदा तो रेडियां लगवा रहा है सरकारी जमीन पर। मैं हूँ बात राज के नाम से बात आप सबको बता दें कि जो अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि सेक्टर 12 में जो है RS भाट पहुंच चुके हैं और किस तरीके से लग रही है अतिक्रमण की वार्ड, वो भी आप देख सकते हैं कि लोगों को पता है कि क्या गलत कर रहे हैं। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हम रेडियां हटा लेंगे, काफी लोग जो है यहाँ से ऑलरेडी रेडियां हटा चुके हैं, क्योंकि आज जो एरिया आपको चलने लायक दिख रहा है ये आमतौर पर जो है ये स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। जहां पर गाड़ियां लगने की जगह है वहां कार्ट लगे होते हैं और उसके आगे की जो सिचुएशन है यहाँ पर सेम रहती है। जी आपका नाम? मैं राजकुमार हूँ, गली नंबर 3 में हूँ, ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ जी। तो यहाँ जो ये 12 सेक्टर रेड लाइट से लेके और ये पूरा रोड जो है ये रेहड़ियों से इतना चौक हो जाता है कि पैदल निकलने वाला भी आदमी नहीं निकल सकता जी, जी। जिसके कारण कई बार तो यहाँ दुर्घटना भी हो चुकी है और कई बार प्रशासन से मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। पर आज RS भाट आए लग रहा है सर, तो पूरे गुड़गांव में इनका चमका दिया है। मैं सदर बाजार देख रहा हूँ, 14 सेक्टर देख रहा हूँ, हर जगह इनकी जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको पूरी प्रॉपर वे में हो भी रही है वो जी 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 जी, कि जो आप अब जैसे आज बोल के जा रहे हैं तो इस पे एक्शन भी हो रहा है, ये नहीं है कि कल दोबारा लग जाएगी। जो मैंने अभी 14 सेक्टर एंड सदर बाजार और बड़ा बाजार में देखा है
वहाँ अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब अब कहा जा सकता है कि अतिक्रमण की अब लगेगी वार्ड, क्योंकि आ चुके आरएस वार्ड, आरएस वार्ड आ चुके हैं तो वार्ड लग जाएगी इसकी। और चाहते हैं कि लगे और एक सुंदर शहर दिखे जो गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी कहलाता है, तो ये बड़ा चीज दिखे। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर देखे कि किस तरीके से जो है कि आरएस वार्ड किस तरीके से लगा रहे हैं अतिक्रमण की वार्ड, ये यहाँ के लोगों का भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर है लोगों को बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, और आज जो है वो निरीक्षण हो रहा है। और इसी निरीक्षण के चलते यहाँ पर देखे कि कितने सारे लोग यहाँ साथ में भी मौजूद है, जो देख रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई जो है वो क्या चल रही है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि ये जो कार्रवाई लगातार आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अपने जो विचार है वो जरूर दे दीजिए। सेक्टर 12 में जो रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं, इसके बारे में जरूर बताएं कि शाम के समय में क्या हालात रहते हैं, क्योंकि पहले भी बोला गया है कि शाम के समय में यहाँ पर हालात जो है वो काफी बदतर होते हैं, लोगों ने रेहड़ियां वगैरह काफी लगाई होती हैं, स्थिति जो है काफी खराब होती है वहां पर। आज देखिए कि दुकानदार ऑलरेडी सामान अपना अंदर कर रहे हैं, पता है, पता लग चुका है कि यहाँ पर आरएस भाट आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए 99 की सेल लगी हुई है, बट वो सेल अब अंदर जा चुकी है, क्योंकि पता लग चुका है कि ये सेल जो अंदर गई है वो क्या सेल थी। यहाँ पर देखे कि कितना सामान यहाँ पर अंदर कर दिया है, रीजन यही है, इतनी जगह नहीं है जहां पर इतना सामान अंदर कर दिया गया। इसका मतलब एवज में यही कह सकते हैं कि ये सारा सामान ऑलरेडी बाहर लगा था, जो एकदम ठूस कर जो है अंदर कर दिया गया है। स्थिति आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, सामने है जूते उठाए गए हैं यहाँ से, ये दो टेबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक पूरा बाजार जो है वो यहाँ पर चल रहा है, सिर्फ इतनी सी जगह में तो वो पॉसिबल है नहीं। वो बाजार कैसे लग रहा है, वो बाहर तक लग रहा है। और बात करें कपड़ों की मार्केट की, और अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी सोचने वाली बात है। और यहाँ पर देखें कि डीटीपी आरएस भाट इन्हीं लोगों से बात करें कि आखिरकार किस तरीके से, देखिए खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है, जितने भी स्टैचूज थे यहाँ पर। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये यहीं पर ही रखे हो। आप ना बुजुर्ग हो इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा कह नहीं रहा, अपने आप में सुधार ले आओ। मैं आपकी दुकान कल से चेक करवाऊंगा, कोई भी बंदा आ सकता है, हो सकता मैं ना आऊं, हो सकता मैं ना आऊं। ये जो है ये यहाँ तक आपकी दुकान, ठीक है, इसे एक बस इसे एक फिट के बाहर का मतलब क्या होगा, जेसीबी अंदर। मैं ये सामान सुन नहीं डालने वाला, ना हमारे पास इतना टाइम है कि आपका सामान उठाओ, चलान काट दो, आपको वापस दो, हम नहीं करेंगे। देखो आजकल ठंड ज्यादा है, उठाएंगे मैं ऐसे कर दूंगा, नुकसान हो जाएगा ज्यादा। भाट साहब यहाँ पर अलग ही तरीका है कि थूस थूस कर डाला गया सामान अंदर, और पीछे भी ऐसा ही दिखाई दिया कि एक ही जगह पर सात सात कार्ट अंदर खड़े हैं। देखिए मेरी पहली विजिट है यहाँ पर जी, जी तो जानते तो ये होंगे ही, लेकिन इनको ये हर किसी को ये लगता है कि हमारे पास आया तो कोई नहीं जी, जी। वो सोचता भी उधर ही है, हमारे पास जब आएंगे हम देखेंगे जी, जी। तो अब इनके पास आ गया हूँ, अब दो चार दिन बाद फिर दोबारा हो सकता है, कब राउंड लगे, कल लग जाए, परसों लग जाए, इनके पास ही आऊंगा, इन्हीं की चाय पीऊंगा, इन्हीं से झाड़ू लगवाऊंगा, इन्हीं से साफ सफाई करवाऊंगा। हमने नहीं लगानी चवन्नी, ना हम लगवाए झाड़ू, ना हम कहें भी हटवाओ, ना हम हटाए, यही लोग हटाएंगे, इन्हीं से ही रेहड़ियां उठवाऊंगा, इन्हीं से ही झाड़ू लगवाऊंगा, ये मेरी बात आप याद रखना। इस बाजार में जो दुकानदार अतिक्रमण कर रहा है वो अतिक्रमण खुद हटाएगा, हम नहीं लाएंगे पेचकस, खुद पेचकस लगाएंगे, हटाएंगे, उसके बाद झाड़ू भी लगवाएंगे, यही लगाएंगे, हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है हम मॉनिटरिंग करेंगे और स्ट्रांग मॉनिटरिंग रहेगी। अगर हम बस स्टैंड की रोड को
आज भी मैंने देखा है थोड़ा लोग ढीला छोड़ दिया उनको, तो लग रहा है कि दोबारा कर दें। सुधार हम ले आएंगे, ठीक है। 10 राउंड लगाने पड़ेंगे, 15 राउंड लगाने पड़ेंगे। मैं आपको वादे से कहता हूँ कि अगर एनफोर्समेंट टीम जो गुरुग्राम की है, जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो MLA साहिबान है, चाहे मंत्री साहिबान है, चाहे वो CO GMDA है, चाहे वो DC गुरुग्राम है, चाहे वो कमिश्नर MCG है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि शहर को अतिक्रमण से हम फ्री करें। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इनक्रोचमेंट हम नहीं होने देंगे। उसके लिए फील्ड में उतरने वाले अफसर हम जैसे हैं, हम अपने बॉसेस के लिए और जो शहर के लिए अच्छा काम करने के लिए जरूरत है, चाहे रात को 8 बजे चाहे 9 बजे निगम की टीम के साथ आए, GMDA की टीम आए, आएंगे जी। और 6-7 महीने तक आपको, अगर हम इसी पेस पर काम करते रहे, तो 6-7 महीने तक मुझे लगता है कि जी हम एक गुरुग्राम को कुछ इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, बाजार हैं, उनको हम सुधार लेकर। जब आप आए थे तो 5-10 लोग आपके साथ थे, पूरी टीम साथ थी, जो बाद में भी टीम आई काफी ज्यादा। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो ये काफिला चल रहा है आपके साथ। चलो जी, ये तो पब्लिक ये भी देखती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट ज्यादातर लोग जानते हैं आपको। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है, अगर कोई कार्रवाई देखेगा, विजिट देखेगा, जो मैं एक बंदे को समझा रहा हूँ वो अपने घर जाके बात भी करेगा, वो 4 लोगों को और बताएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो हमने कहना वो कहेंगे, तो उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा जो पीछे आ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आगे भी बताएं, वो लोगों को समझाएं। लेकिन अगर कोई नहीं समझेगा तो सख्ती करेंगे पूरी। पब्लिक प्लेस के ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एनक्रोचमेंट अगर होती है तो लोगों के लिए दुविधा होती है। कोर्ट भी हमें मॉनिटर करती है, करोड़ों रुपए के सर्विसेस ले डाउन करते हैं, सड़कें ले डाउन करते हैं, वो लोगों के लिए, पार्किंग लोगों के लिए। अगर इंडिविजुअल बंदा ही उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करेगा तो फिर सरकार के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम सख्ती से पेश आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे की कार्रवाई कहाँ तक रुक लेती है। और आप सभी को बता दें कि फटाफट से जो है 10-10 लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप कमेंट भी कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस कार्रवाई के बारे में क्या कहना है और ये जो काफिला पीछे चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है। हर चीज को जो है पॉजिटिव लेते हुए RS भाट की जो लोग साथ में चल रहे हैं, एटलीस्ट उनको भी पता लगे कि क्या कार्रवाई चल रही है, और आगे वो लोग भी बताएं कि ये कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, और आगे लोगों को जैसे ही पता लगेगा तो मैसेज जो है वो कन्वे होता है। आप देखते हैं कि शायद दूसरी तरफ मिल ही नहीं रहा है, जो मॉडल आपका बहुत पुराना है वो। यहाँ पर देखे जैसे ही पता लगा, यहाँ पर देखे ज्यादा से ज्यादा कंबल जो है वो ऊपर उठाए जा रहे हैं, अंदर जो है दुकान के किए जा रहे हैं, और ये सारा जो है शॉप पर आप देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर भी कार्रवाई होगी, यहाँ पर देखे जितनी दुकान नहीं है उससे बाहर सामान पड़ा है, और दुकान शायद है भी नहीं, ये रेजिडेंशियल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सभी से भी अनुरोध है कि फटाफट से जो है लाइक और शेयर भी करें, और साथ साथ देखें कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रही है। देखिए एरिया कहाँ तक है, तो कहाँ तक देखिए कि शॉप लगी हुई है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और बाहर लिखा हुआ है हाउस नंबर। भाट साहब
अब इनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं कि इस बातचीत में क्या रहता है। और आप सभी को बता दें कि कितने लोग हैं जो इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर। और भाट साहब इसी चीज को जो है पॉजिटिव लेते हुए कि भाई साहब जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर लोगों को पता लगेगा तभी जो है बातचीत होगी और तभी जो है इस चीज का हल भी होगा। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार हमारे साथ बने रहे और जो है फटाफट से जो है वो शेयर जरूर करें। और दोबारा मत लगाना, नहीं तो यहाँ फोन पड़ा हुआ ना दिक्कत दे सकता है। इसको मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। भाई थोड़ा सा हटो हटो, जिनको ये लग रहा है कि आज कूल डाउन है बट ज्यादा अगर कोई तैश में आने की कोशिश करता है तो DTPRS भाड़ जो है अपना रुख नहीं भूलते हैं और हर चीज जो है उन्हें याद रहती है। और यहाँ पर भी आप नजर घुमाएं, 3-4 रेहड़ियां जो है इसी एरिया में लगी हुई हैं और यही जो है लगातार बाहर भी लगती है और फिर जो है अंदर कर दिया जाता है। ये सारी सिचुएशन सब जगह पर मौजूद है और अभी भी जो है कार्ट वालों से मिलकर उनको आज तो सिर्फ समझाया जाएगा क्योंकि अगली बार जो है JCB के साथ भी पहुंच सकते हैं RS भाड़ जो लगातार जो है पहुंचते भी हैं और कार्रवाई भी होती है क्योंकि अगर गुरुग्राम को सही मायने में सही दिशा देनी है तो ऐसे कठोर कदम उठाने की जरूरत भी है। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सबका क्या कहना है फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर लिखें। कहां पर है आज आपको बता दें, सेक्टर 12 में अभी जो है ये ड्राइव चल रही है माता रोड पर। मनोज जी जो लिख रहे हैं माता रोड पर भी ड्राइव चले, ये ड्राइव ऑलरेडी सेक्टर 12 में ही चल रही है पूरे। आप सभी से भी अनुरोध है कि फटाफट से जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। 10-10 शेयर जो है जिसने किया है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखे, फटाफट कमेंट करें कि 10-10 शेयर किसने कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से अभी जो है वो कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वायरल सच के माध्यम से। जो जो लोग अंदर गलियों में भी घुस रहे हैं वहां तक भी नजर पहुंच रही है RS भाट की। और आज तो सिर्फ समझाया जा रहा है, एक बार जो है यहाँ वार्निंग दी जा रही है, अगली बार जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई जो है JCB के साथ भी हो सकती है और FIR भी हो सकती है। बहुत सारे जो है यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है भाट साहब के द्वारा। साफ तौर पर है कि परमिशन लेकर जो है आप कार्ड लगाए, MCG की परमिशन है वो ले और कार्ड लगाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लगाते हैं परमिशन के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत परेशानी जो लोगों को आती है। और जो लोग इसी दायरे में घूमते हैं कि 400 की जगह 400 लोगों की वजह से जो 4 लाख लोगों को दिक्कत आती है वो ना हो, इसी तरीके में जो है लगातार देख रहे हैं RS भाट। और आपकी भी सपोर्ट की मोटिवेशन की आवश्यकता है, सब फटाफट जो है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। ये जो आज ड्राइव चल रही है सेक्टर 12 में, क्या कहना है आपका? चलिए आगे बढ़ते हुए DTPRS भाट जो लगाते हैं अतिक्रमण की वाट, और जब JCB हो साथ तो फिर कहने की क्या है बात। जी हाँ, RS भाट जाने जाते हैं अपने सख्त रवैये के लिए और ये रवैया ज्यादातर लोग जो है वो जानते हैं। यहाँ पर भी ऑलरेडी आप देखें कि बहुत सारी जगह की वीडियोग्राफी ऑलरेडी शायद हो चुकी है जिसके बारे में पता भी है,
कि अगर वो लोग सोचे कि वीडियोग्राफी नहीं है, नहीं पता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जगह पर जो नजर है वो आरएस भाट की है, क्योंकि टीम जो साथ में पहुंची है वो सारी मॉनिटरिंग करने के बाद ही यहाँ पर आए हैं, देखकर आए हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या सिचुएशन है। और अगर आप भी सोचे कि ऐसा कुछ ना हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जो है वीडियोग्राफी लगातार जो है वो चलती रहेगी और आप उसी वीडियोग्राफी में आ सकते हैं। तो इसीलिए अनुरोध है आपसे, सजग रहें, अतिक्रमण ना करें। गुरुग्राम को सुंदर बनाने की, स्वच्छ बनाने की जो बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो है सबसे पहले आप ही को करनी होगी। भाट का सख्त रवैया बताता है कि एक बार गलतफहमी में मत रहना कि एक बार आए तो छूट जाओगे, बार बार जो है लगातार। अब जो साफ तौर पर कहना है भाट साहब का भी कि गुरुग्राम के लोग ही उनके जेई उनकी आंखें बन चुके हैं, जो लगातार बताते हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन चल रही है। और ये जो सिचुएशन है वो लगातार आप भी देख रहे हैं, और आप सभी से अनुरोध भी है हमारा कि जो मॉनिटरिंग भाट साहब चाहते हैं वो गुरुग्राम वासी भी करें, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये सारे कमेंट जो है वो आरएस भाट देखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है। क्योंकि इसी दुकान की अगर बात करें, ये पूरी दुकान अंदर कर ली गई थी, बट उसके बावजूद भी जो है वीडियो के बारे में, वीडियोग्राफी के थ्रू जो है उनको सब पता था कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। और वही सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सामने उन्होंने देखी कि क्या हालात जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं और क्या हालात जो है वो यहाँ पर होते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं उससे भी अवगत हो रहे हैं कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, कहाँ पर क्या दिक्कत है। बात करें चाहे सफाई की, बात चाहे करें पाइपें उठाने की, तो उसके ऊपर भी जो है निगम के अधिकारियों को साथ ही साथ जो है वो बताया भी जा रहा है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि सेक्टर 12 में जो कार्रवाई चल रही है लाइव के माध्यम से जो है आप उसको देख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध भी है कि इसके बारे में इसको शेयर जरूर करें आगे के आगे, ताकि जो जो जहां पर कार्रवाई चल रही है उससे आप भी अवगत रहे और आपको भी पता रहे कि कहां पर क्या सिचुएशन है, कहां पर क्या कार्रवाई चल रही है। आपके आसपास भी ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है, और अगर आप भी इंक्रोचमेंट करते हैं तो सतर्क हो जाए, क्योंकि डीटीपी आरएस भाट किसी को भी जो है वो नहीं छोड़ते। आराम से समझाया जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार अगर नहीं समझेंगे तो अतिक्रमण के ऊपर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर होगी। और यही एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आए दिन सेम सिचुएशन रहती है। जो लोग यहाँ पर अभी देख भी रहे होंगे, कंप्लेंट्स भी मिलती है, लोग बताते भी हैं। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से एक पूरा जूस कॉर्नर क्रिएट किया हुआ है, जो चलने की जगह है लोगों की, वहां पर जो है क्या स्थिति है, क्या ढाप देने से, ढक देने से जो आपकी स्थिति है वो ढक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यही स्थिति जो है वो लगातार आप वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और 10-10 शेयर किसने नहीं करे तो अभी जो है फटाफट कर दीजिए। क्योंकि वायरल सच आपको सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि कहां पर
क्या सिचुएशन चल रही है, कहां पर क्या हालात चल रहे हैं, कहां पर जो है अभी कार्रवाई चल रही है जो आप लाइव देखते हैं वायरल सच के माध्यम से। यहां पर भी आप देखें कि जूस की स्टॉल कहां तक लगी हुई है। साफ तौर पर हिदायत है कि जहां तक दुकान है वहीं तक जो है लगाया जाए अपना स्टॉल, दुकान जो भी कुछ है दुकान तक ही सीमित रहे। अगर दुकान के बाहर होता है पहला सामान उठाने के लिए, भाट साहब कह रहे कि हम सामान नहीं उठाएंगे, सीधा FIR होगी। तो आप सभी से अनुरोध भी है, यहाँ पर भी देखिए कि कार्ट जो बाहर लगी हुई है उसके बारे में भी एक अधिकारी जो आपकी दुकान पर आकर बोल रहा है कि आपको कार्ट कहाँ तक लगानी है। क्या आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में कि कार्ट कहाँ तक लगनी चाहिए, कहाँ तक सिचुएशन है, कहाँ तक होनी चाहिए। बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि अगर आपने दुकान ली है, MCG ने कहां तक परमिशन दी है आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होता है, बट उसके बावजूद भी अगर आप स्मार्टनेस दिखाते हैं कि नहीं पता कहां तक है, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात दिखती है। क्योंकि पता सबको होता है कि कहां पर जो है सिचुएशन चल रही है, कहां पर जो है हमारी दुकान है और कहां तक लगाने की जो है परमिशन है। उसके बावजूद ये स्थिति दिख रही है, लोगों को पता है कि गलत लगी है इसलिए अंदर हो रही है, बट साथ ही साथ यहाँ पर भी देखे कि क्या आराम से ये दलाल है। यहाँ पर भी देखे कि पूरे किस तरीके से जो है पूरा का पूरा कार्ड जो है एक क्रिएट कर लिया जाता है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं डैश पूरे दिखाई दे रहे हैं RS भट्ट। यहाँ पर हालत देखे कि किस तरीके से जो है पता है सबको कि कहाँ तक दुकान है, कार्ड पूरी आगे बढ़ाकर लगा रखी है, दुकान का दायरा पता है, उसके बावजूद भी अगर समझ ना आए तो ऐसी ठोस कार्रवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो कि यहाँ पर हो भी रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले लग रहे। थोड़ा बहुत चलो इनको आज प्यार से समझाया भी हटा लो, सामान तो इनके इनके पास ही है, गुलाब जामुन खाएं, लेकिन अंदर रखना पड़ेगा इसको सामान को। दुकानें हैं फिर भी बाहर देखिए, अभी लोगों को समझ नहीं है, समझ इन द सेंस वो मानते हैं कि जहाँ तक तो हमारा शटर है वो हमारी जगह है, उसके बाद ये तो चलता है, इतना तो चलता ही है, सभी ने लगा रखा है, इन्होंने लगा लिया हमने भी लगा लिया, तो ये जो सिस्टम है ना चलता है वो बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट ठीक है एक आधा फिट, ये अब गाड़ियां ये जो वहां पार्किंग हुई है वो यहाँ हो, वो यहाँ होगी तो सड़क खाली होगी, यहाँ तो इन्होंने लगा लिया, यहाँ बंदे खड़ेंगे जो गुलाब जामुन खाएंगे टेबल टूबल लगा के, फिर गाड़ियां लगेंगी, फिर वहां चलेंगे लोग, ऊपर से रेड़ियां भी लगती होंगी मोहित जी, यहाँ रेड़ियां भी लगती होंगी, तो रेड़ियों का अलग कदर है। आपके माध्यम से यही कहूंगा जो स्ट्रेच पर आज हमने विजिट की है उसके ऊपर अवैध रेड़ी जो भी लगा रहा है वो जहां रेड़ियों की जगह लगी है वहां उनको जाना पड़ेगा। दो बार समझा दूंगा, तीन बार समझा दूंगा, अदरवाइज एक्शन बहुत सख्त लूंगा। सारे रेड़ी वालों से गुजारिश है मेरी कि वो वहां से अगर उनको कोई
कोई लगता है कोई सोल्यूशन है जी जी। हमें आगे बताएं कि जी हमारे लिए ये करवा दो, करवा देंगे जी। सड़क के ऊपर रेड़ियां अवैध नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, 100% नहीं चलेंगे, ये हटना पड़ेगा इनको। ये चाहते हैं एक जगह दे दो, बताएं जगह, जगह मैं बताता हूँ, जगह हमारे पास दो है, लगाएं वहां पर, बिजनेस चलना है, जिसने सब्जी लेनी वहां भी ले लेगा, सब्जी मंडी लगी है, आपने देखा लोग सब्जी ले लेंगे जी। जब आप एक जगह लगाओगे लोगों को पता चल जाएगा वहीं मिलती है जी। पंचकुला भी ऐसे है, सब्जी मार्केट लगती है, हम भी जाते हैं वहीं जाके सब्जी लेते हैं, ऐसे होना चाहिए। सुधार लाएंगे, अभी प्यार से कहेंगे इनको, नहीं तो हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि प्यार के साथ जो है जेसीबी का वार भी हो सकता है, आरएस भाट का वार भी हो सकता है, जो लगातार आप देख रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध भी है कि हमारे साथ जो है वो लगातार बने रहे। ये कार्ड जो पूरा बना भरा हुआ था, आप देखें कि किस तरीके से पूरी एरिया जो है वो एक्वायर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, कि जो सरकारी जमीन है सरकारी जमीन के ऊपर कैसे कब्जे होते हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कि जहां पर गाड़ियां खड़ी करने की जगह है वहां पर कार्ड लगते हैं, आगे जहां पर स्पेस लोगों के चलने की है वहां पर जो है ये सिचुएशन जो है वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है जो लोग आराम से बात करोगे तो शायद छूट भी जाओगे। अगर बाधित करने का प्रयास करा अधिकारी के काम के अंदर, तो बड़ा क्लियर सी पिक्चर है कि भाट साहब छोड़ते किसी को नहीं है। अगर आप सही हो तो छूट जाओगे, अगर गलत हो तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और वही सिचुएशन है यहाँ पर, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोग छुप छुप कर खड़े होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपने हटा दिया यहाँ से, जहाँ ये आपका थोड़ा 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 सा ना वहाँ पर, या तो आप क्या है टायर तो यहाँ गाड़ी में लगाओगे, गाड़ी वहाँ लगा के टायर चेंज करोगे, यहाँ लगेगी गाड़ी तो पैदल चलो, चलो पैदल चलो ना, चलो पैदल आ जा नहीं आ जा।
नहीं नहीं पैदल तो चलो चल पाओगे, जंप मरवा के लेकर जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आरएस भाट देखते हैं आगे जो है किस पर गिरेगी गाज। बातचीत करके या हम कहें कि एक इंटीमेशन दे के निरीक्षण करके जो है आपको छोड़ दिया जाता है कि आप ये हटा लें। समय निर्धारित है कि इतने से इतने समय तक, बट उसके बावजूद भी जो अगर नहीं सुनते या फिर गलत तरीके का रवैया अपनाया जाता है तो उसकी एवज में जो है कार्रवाई जरूर होती है। और अभी भी देखे सेक्टर 12 तक पहुंच चुके हैं। आरएस भाट देखिए खुद ही जो है फटाफट से जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ में लोगों से बात भी कर रहे हैं और देखिए कि यहाँ पर भी देखे किस तरीके से जो है क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखे किस तरीके से जीना तक ऊपर बनाया हुआ है, ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरीके से सरकारी जमीन को यूज करना है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब देखिए ये जो जगह है सर जीना तक बना हुआ है। मैंने इनको ये कहा है कि ये शेड लगा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये जो गाड़ियां हैं ये पार्क हो सके। अभी आप पीछे देखो प्लॉट जी, भी मैं कह रहा हूँ वो मैं पढ़ रहा हूँ विधायक मुकेश शर्मा जी का शायद ऑफिस भी होगा, वहां भी यहाँ गाड़ियां पार्कड है। भी गाड़ी पार्क करने वाली जगह पर आप लोगों का रेस्टोरेंट बनाओगे तो गाड़ी तो यहाँ पार्क होगी। पहले ही गाड़ियां लोगों के पास बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ कोई खाना खाने आएगा चार गाड़ियां लगाएगा, यही लगाएगा सड़क घेरेगा, यहाँ लगाए एटलीस्ट वहां तक इनको कहा है कि खाली करें और गाड़ियों की जगह तो गाड़ी लगेगी। यहाँ पर लोगों का रवैया काफी सुस्त है, ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन है जो उनकी खुद की जमीन है। देखिए सुस्त जितने भी हों उनको चुस्त करना मुझे आता है जी जी। अभी तो आज सिर्फ प्यार से इनको समझा रहा हूँ जी जी, कोई बड़ी बात नहीं है, कब एक्शन हो जाए उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ, फिर ये कहेंगे हमारे से गलती होगी मैं सुनूंगा नहीं। आज तो मैं कह रहा हूँ कि आप सुधर जाओ। तो जो सुस्त रवैया अपना रहा है, जो 20 साल से एक ही जगह पर सरकारी जमीन के ऊपर सड़कों के ऊपर बैठे हैं, वो 20-20 साल वालों को आप कह दो कि एक दिन में हटा लें जी, तो मेरा ख्याल वो कोई भी हो, अगर मैंने भी ऐसा काम कर रखा होगा तो 20 साल के बाद एकदम से कोई आए हटाओ, अगला सोचता कि मैं तो 20 साल से बैठा हूँ मेरी मिल्कियत है जी जी। तो ऐसा सुधरना तो पड़ेगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो पब्लिक है जी। मेरे लिए ये दुकानदार इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकानदार इम्पोर्टेंट है, व्यापार चलाएं अपनी सीमित तो दुकान में चलाएं जी। सरकारी जमीन के ऊपर सड़कों के ऊपर कब्जा करके एक्सटेंड करके फिर तो भाई फिर गुरुग्राम को हम ये गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है ये कहना बंद कर दे, या तो वो कहना बंद कर दे, अगर वो कहना है तो भाई सुधार हर किसी को। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्लानिंग में कॉन्सेप्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन, सबसे पहले इन्हीं से पार्टिसिपेट करवाऊंगा कि आप हमारी मदद करें, उसके बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। आज मैं हूँ, चार दिन बाद आऊंगा, हफ्ते बाद आऊंगा, फिर लगा लेंगे जी जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच चेंज करनी पड़ेगी, पब्लिक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक अच्छी सड़क बने, मैं कह रहा हूँ अच्छी सड़क बनेगी लोग आएंगे भी जी जी। आपकी मार्केटिंग बढ़ती, आप इतनी रेड़ियां लगा दोगे लोग कहेंगे यार उस मार्केट में सामान खरीदना यार गंद है यार रेड़ियां लगी है पार्किंग कहाँ करेंगे, आएगा ही नहीं कोई, 30% लोग डाउन हो जाएंगे। तो भाई लोग आए उसके लिए साफ सुथरा शहर चाहिए, साफ सुथरा होएगा यहाँ भी चलेगा, वो रेस्टोरेंट भी चलेगा जी जी। बिल्कुल चलेगा, अगर ये साफ सुथरा कर ले मैं ही खाना खाने आ जाऊंगा, लोग कहेंगे डीटीपी वहीं खाता है जी जी। और भी आ जाएंगे जी। तो भाई ये तो सुधार लाना पड़ेगा।
लोगों को काफी ये भी राय है कि इन लोगों के ऊपर जो 20 साल का शोर मचाते हैं, इनके ऊपर 20 साल का किराया क्यों नहीं डाल देते आप? चलो अभी तो ये है कि किसी पर हम ज्यादा इतनी सख्ती नहीं करना चाहते और सख्ती हम करना भी नहीं चाहते। ऐसी लोग समझें, हमारा साथ दें तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। अब ये जो भी शुद्ध ढाबे बना रखे हैं भी अच्छा काम करें, अपने आप को सीमित रखें, सड़क लगे एक भी आज बंदा जा सकता है। मैं तो अपने आप को तभी संतुष्ट मानूंगा अगर लोग ये कहें कि हाँ जी हम यहाँ से दो गाड़ियां निकाल सकते, दो गाड़ियां निकाल लेंगे, उसके बाद किसी ने आगे पीछे किया चल जाए, दो गाड़ियां बढ़िया तरीके से निकले, कोई हॉर्न ना बजाना पड़े, तो वो होना चाहिए। सुन रहे क्या बोल रहे हैं? जी जी, तो ये सड़क के बारे में बता रहा हूँ मैं तो। आप नहीं नहीं, कूड़ा तो चलो जहाँ पड़ा है वो कूड़े वाले टीम को मैं बोल दूंगा, मैं उसमें नहीं हूँ, ये कोई और टीम है। कूड़ा नहीं उठ रहा? ना उठ रहा। क्या काम करते हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ। अच्छा, कोई दुकान भी आप कहाँ पर है? यही है ना जी, तभी कूड़ा नहीं उठता, अपने आप में सुधार लाए। चलिए बड़ी सिंपल सी बात है, बातों बातों से जो है सही बात निकलवा लेते हैं। आरएस बाहर जो अभी भी वही बात निकली, देखिए कितना एरिया बाहर का एक्वायर है, कितना एरिया में बाहर सामान रखा हुआ है। आपको एक और चीज बता दें कि ग्रे 4 के नियम लागू हैं, जिसके अंदर जो है भट्टी वगैरह कुछ नहीं जल सकती, बट उसके बावजूद भी जो है ये चल रहा है। ये साफ तौर पर जो है उल्लंघन कहा जा सकता है ग्रे 4 के नियम का, और ये स्थिति जो है आप लगातार देख रहे हैं। और आप सभी से निवेदन भी है, लगातार जो है हमारे साथ बने भी रहे, सेक्टर 12 में अभी मौजूद है। क्या बोल रहे हैं भाई? वीडियो पहले बनवा रहे हैं, लगाने लगाना काम है। ये भी दुकान आ रही है। रोड पे नहीं, हमारी नाक की जमीन है। अरे ये वाली दुकान है, रोड आ रही है राइट में। ये आप क्या कर रहे हैं? ये यहां तक आ रहा है, ये तीन लगा है। नहीं, इस पर किसी ने करना थोड़ी है, यहां से नहीं कर सकता। ये हटाओ घर पे, कोई पड़ा हुआ है और आप ऐसे वीडियो कॉल दिखा रहे हो, ये तो पूरी कहानी है। चल फिर करता हूँ, यहाँ तक दूर है थोड़ा, थोड़ा सा रुक नहीं सरकार हमारी जो तेरी दुकान है वहां तक सीमित है, एक महीने तक देखूंगा, उसके बाद आगे देखेंगे, तुम्हें जगह देंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, बस तुम्हें सब कुछ पता है, तुम लोगों को सब कुछ पता है कि आपकी जमीन कहां तक है, दुकान कहां तक है, पता है ना? क्यों बाहर आ रहे हो, क्यों बाहर आ रहे हो, कोई बात नहीं सर, क्यों आ रहे हो, क्यों पूछ क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं पता रजिस्ट्री कहां की है तुम्हारी, तुम्हारी रजिस्ट्री कहां तक की है, कहां तक की है तुम्हारी रजिस्ट्री, कहां तक की है, यहां तक की है,
यहाँ तक की है? मेरी तो मालूम करना चाह रहा हूँ, तेरी रजिस्ट्री कहाँ तक की है? वैसे मेरी तो दुकान किराए की है। मेरी दुकान किराए तक कहाँ तक चढ़ रखी है? सड़क तक क्या तेरी दुकान का किराया देते हो? तूने जो किराया दिया है, हमारी दुकान कौन सी है? यहाँ पर फिर से दोबारा जो है बहस शुरू हो रही है और आपको साफ बता दें कि किस तरीके से जो है अब उसी का जो है हल निकाला जाएगा। बड़ी साफ सी बात है कि अगर आप आराम से बात करोगे तो तरीके से भी बात की जाएगी और आपको सुझाव भी दिया जाएगा, समाधान भी दिया जाएगा। ओवर स्मार्टनेस की जो है यहाँ पर जगह नहीं है। जी हाँ, साफ तौर पर है। यहाँ पर देखें दुकान कहाँ है। और ये जो है वैसे ये इधर बंद कर लिया, इधर बंद कर लिया, क्यों? ये बंद नहीं हो रहा नहीं, ये तो रास्ता नहीं है, फिर कैसे जाओगे? अगर ये बंद रखोगे मैं आपको इसमें बीच में से निकलवाऊंगा, निकल जाओगे शरीर में। स्मार्ट बनने के चक्कर में जो है खुद फंसते हुए लोग दिखाई देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि किस तरीके से है। यहाँ पर भी आप देखें कि दूसरी तरफ अगर आपकी जैसे ही निगाह जाएगी वहां पर भी पूरे एरिया में देखें कि किस तरीके से बस वगैरह, ऑटो वगैरह या फिर बड़ी गाड़ियां जो है वो खड़ी रहती हैं। ये पूरी एरिया जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर आज दौरा कराया डीटीपी आरएस भाट ने कि यहाँ पर स्थिति बद से ज्यादा बदतर है। लोगों ने भी बताया है, इसके बारे में अवगत भी कराया है कि क्या स्थिति यहाँ पर लगातार जो है वो बनती है, क्या चलती है यहाँ पर, लोगों ने किस तरीके से जो है जगह आगे आगे ले रखी है और ये जगह इतनी घेर रखी है कि लोगों को भी परेशानी होती है आने जाने में और ये स्थिति जो है वो लगातार रहती है यहाँ पर। अब देखते हैं कि आगे और भी कार्रवाई होगी या आज के लिए जो है यही तक जो है वो सतर्क कर दिया जाएगा और आगे जो है यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को देखें कि कहाँ पर जो है
यहाँ पर भी देखेगी किस तरीके से जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर आपको सिचुएशन बता दे कि क्या सिचुएशन है। और आप सभी से भी अनुरोध है लगातार जो है हमारे साथ बने रहे। बाट साहब क्या कहना है कि अभी कह सकते हैं कि लोगों को समझाया जा चुका है? देखिए पहली बार तो हमने समझाया है जी। इस रोड के ऊपर गाड़ियां पार्किंग की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जी। अगर लोग एनक्रोचमेंट करेंगे आगे उसके बाद अपने सीमित दायरे तक रहें, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन कर रखी है जी, उसके बाद गाड़ियां लगती हैं। तो ये जहां आपको स्कूटी दिख रही है जी, ये लेवल है जहां पर लोग पार्क करते हैं जी। हम इस लेवल को जहां वो मारुति लग रखी है या ये मोटरसाइकिल है यहां तक सीमित करेंगे। सीमित लाइन में एक अलाइनमेंट होगी, रेहड़ियां हटेंगी, रेहड़ियां 100% हटेंगी, लेकिन रेहड़ियों को हम तोड़ेंगे नहीं। उनसे पहले कहेंगे, बातचीत करेंगे कि अगर आप एक जगह पर जा सकते हैं हमें जगह बताएं, नहीं तो हम बताएंगे। रेहड़ियां एक जगह पर जाएंगे, रेहड़ियां हटें। और दूसरी बात है ये जो एक्सटेंशन कर रखी है लोगों ने, ऊपर एक्सटेंशन कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, किसी ने ऊपर चलना नहीं। नीचे जो कॉरिडोर है एटलीस्ट वहां तो लोग पैदल चल सके, थोड़ा सा वो हो जाएगा कि एक दो बंदे पैदल चल सके, एक गाड़ी आगे लग जाए, एक गाड़ी उसके आगे, एक यहाँ दो गाड़ियां लग जाए बहुत है। उसके बाद रेहड़ियां हटे, थोड़ा बहुत 20-30% भी सुधार कर लेंगे तो ये रोड तो बहुत खाली है जी जी। बहुत बढ़िया रोड है, सदर बाजार तो है नहीं कोई बहुत छोटी, बहुत बड़ी रोड है, इसको सही करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। लोग बहुत सारी लोकेशन का और भी इंतजार कर रहे हैं, भाट के कड़े रुख का इंतजार कर रहे हैं, भाट जो लगाते हैं अतिक्रमण की भाट उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा तेज हो जाइए भाट साहब, बहुत सारी लोकेशन है। देखिए अभी टाइम है 7, तो हम 8 बजे तक काम तो कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा शायद नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम भी सुबह 8:30 बजे लग जाती है, अब उनको मैं 10-10 बजे तक काम कराऊंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल, ह्यूमन एंगल भी देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि जल्द इम्पोर्टेंट रोड्स के ऊपर फैसला करेंगे, 6-8 महीने में मुझे उम्मीद है कि निगम की टीम के साथ मिलकर और GMDA की टीम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आज हम राजीव चौक भी गए थे, मेडी सिटी वाली साइड पर लोगों ने वहां से झुग्गियां उठाई, दूसरी साइड डाल दी, हमने उनका सामान भी उठवाया। देखिए किसी के ऊपर भी हम ज्यादा सख्त एक्शन लेना नहीं चाहते, लोग हमारा साथ देंगे, नहीं देंगे तो देखो फिर लोगों को समय ना पड़ेगा। तो चलिए ये थे DTP RS भाट जिन्होंने आज जो है सेक्टर 12 की विजिट की, और आप सभी से अनुरोध है लगातार हमारे साथ बैठे बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।